एक वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि सांसद लोगों के जूते उठाकर दूसरी जगह रख रहे हैं, वहां काफी लोग भी मौजूद हैं, इसके बाद भी सांसद जूते उठा रहे हैं। दरअसल सांसद के यह वीडियो दो दिन पुराना है, जो कि जिले के लाल गांव के शक्ति केंद्र की बैठक में शामिल होने पहुंचे, जहां पर अव्यवस्थित जूते चप्पलों को देखकर उन्होंने उठाकर व्यवस्थित करने लगे। जब वे जूतों को कतारबद्ध में रखते थे तो यह वीडियो उन्हीं के किसी कार्यकर्ता ने बना लिया और इंस्टाग्राम में पोस्ट कर दिया। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा हमेशा इस तरह के कार्य करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि एक जिम्मेदार नागरिक और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैंने अपनी स्वयं की इच्छा से यह कार्य किया है। मेरे द्वारा हमेशा से इस तरह के काम किए जाते हैं, लेकिन पहले सोशल मीडिया नहीं था तो दिखता नहीं था और अब तुरंत लोगों के बीच वायरल हो जाता है। अब बात यह है कि चुनावी समय होने के चलते सांसद को डर सता रहा है या अपनी इन्हीं हरकतों के चलते लोकप्रियता पाने की कोशिश करते हैं, ये तो वही जाने। पहली बार नहीं है, मैं जब भी पार्टी की ये पार्टी की बैठक का है, लाल गांव शक्ति केंद्र की बैठक थी, तो अगर बैठक के बाहर जो जूते चप्पल अगर व्यवस्थित नहीं होते तो मैं अपने हाथ से उनको हमेशा से रखता रहा हूँ, कोई नई चीज़ नहीं है। तो वहाँ भी थोड़ा अव्यवस्थित दिखा कि जूते चप्पल एक पंक्ति में नहीं लगाए हुए हैं, तो कार्यकर्ताओं के जूते उठाने में उनको करीने से लगाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, तो वो जूते मैं इकट्ठा करके और पंक्तिबद्ध लगा रहा हूँ। इसके पहले भी आपके कुछ वीडियो वायरल हुए जिसमें आप झाड़ू लगाते हैं, कभी कभी टॉयलेट साफ करते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? ये काम स्वाभाविक मनुष्य के प्रकृति के काम है। अब मनुष्य इनसे दूर होता जा रहा है तो लगता है कि अरे यार ये तो अस्वाभाविक काम है, लेकिन मैं जो कुछ भी करता हूँ वो एक जिम्मेवार नागरिक को, भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेवार कार्यकर्ता को वो सब काम करने चाहिए और इसलिए मैं ये सब काम करता हूँ। तो जनता को सीख देने के लिए आप ये काम कर रहे हैं कि नहीं? मैं अपने स्वयं के लिए कि मैं अच्छा नागरिक हूँ, मेरे अंदर एक नागरिकता बोध है, इसलिए ये सब काम मैं करता हूँ। मैं एक कार्यकर्ता हूँ, अच्छा कार्यकर्ता हूँ, इसलिए मैं ये सब काम करता हूँ। कोई हमको अंदर से मतलब कोई ऐसा नहीं लगता कि मुझको ये करना चाहिए, अंतः प्रेरणा से मैं सब काम करता हूँ। ये कोई आज से नहीं, ये हमेशा से ये सब काम करता रहा हूँ। अब सोशल मीडिया का ज़माना है तो इसमें तुरंत वो चीज़ें आ जाती हैं सबके सामने, पहले नहीं था तो नहीं आती थी। थैंक यू।